हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट EBS चैप्टर 7. द नेम ऑफ चैप्टर इज क्लॉथ्स. क्लॉथ मींस कपड़े. आज इस चैप्टर में हम लोग क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, वी वेयर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम लोग कपड़े अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. कपड़ा हम लोगों को गर्मी, सर्दी और बरसात से रक्षा करता है. और क्लॉथ्स ऑल्सो हेल्प अस टू लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल. कपड़ा हम लोगों को सुंदर स्मार्ट दिखने में भी मदद करता है. और क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट एंड डस्ट. कपड़ा हम लोगों को गंदगी और कीड़ा मकोड़ा से भी बचाता है. वी हैव डिफरेंट क्लॉथ्स टू वेयर. हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे ट्राउजर्स, टी शर्ट, रेनकोट, स्वेटर, स्कर्ट, जैकेट, कोट, लहंगा, स्कूल यूनिफॉर्म, मफलर, ब्लाउज, ग्लव्स. ये सारे क्लॉथ हैं. और आगे पेज में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा क्लॉथ कौन से सीजन में पहनते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज देखिए. नेक्स्ट में पहले समर सीजन. ओके, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन. हम लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन. हम लोग गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल. कॉटन क्लॉथ हम लोगों को ठंड रखता है. डू यू नो कॉटन क्लॉथ, कॉटन कहाँ से बनता है? कॉटन प्लांट से. ओके, यहाँ देखिए कुछ कॉटन क्लॉथ दिए गए. स्कर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शर्ट. ओके, नेक्स्ट देखिए. वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर सीजन. हम लोग सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म. और जो ऊनी कपड़ा होता है वो हम लोगों को गर्म रखता है, जैसे कैप, मफलर, स्वेटर, कोट. ये क्या है? वुलन क्लॉथ है. ओके, वी वियर रेनकोट एंड गमबूट इन रेनी सीजन. और हम लोग रेनी सीजन में बरसाती और रबड़ के जूते पहनते हैं. दे कीप अस ड्राई इन रेन. ये हमें बारिश में सूखा रखता है. वी ऑल्सो यूज एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन व्हेन देयर इज रेन. हम लोग छाता का भी उपयोग करते हैं जब बारिश होती रहती है. यहाँ देखिए गम्बूट्स, रेनकोट, अम्ब्रेला. ये क्या है? हम लोग रेनी सीजन में पहनते हैं. वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ. हम लोगों को साफ कपड़े पहनना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पेज हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे. लुक हेयर, अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ आपको सही ऑप्शन को अंडरलाइन करना है. जैसे वी वेयर वुलन क्लॉथ इन समर सीजन या विंटर सीजन. आपको बताना है कि आप वुलन क्लॉथ कब पहनते हैं, समर सीजन में या विंटर सीजन में. विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन को अंडरलाइन करेंगे. वी वियर रेनकोट इन रेनी सीजन या समर सीजन. रेनकोट कब पहनते हैं? रेनी सीजन, तो रेनी सीजन को अंडरलाइन करेंगे. वी शुड वियर डर्टी या क्लीन क्लॉथ. हम लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, डर्टी या क्लीन? क्लीन, तो क्लीन को अंडरलाइन करेंगे. क्लॉथ्स ऑल्सो हेल्प अस टू लुक स्मार्ट या अनटाइडी. कपड़ा हम लोगों को क्या मतलब स्मार्ट लगने में मदद करता है या गंदा? स्मार्ट, तो स्मार्ट को अंडरलाइन करेंगे. ओके, अब देखिए टिक और क्रॉस द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो सही है उसमें टिक करना और जो गलत है उसमें क्रॉस करना है. वन में वी वेयर क्लॉथ टू कवर आवर बॉडी. यस, तो टिक करेंगे. क्लॉथ हेल्प अस टू लुक अनटाइडी. कपड़ा हम लोगों को गंदा दिखने में मदद करता है. क्रॉस है तो क्रॉस करेंगे. वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर सीजन. हम लोग वुलन क्लॉथ विंटर सीजन में पहनते हैं. यस, तो टिक करेंगे.
कॉटन क्लॉथ कीप अस वार्म, कॉटन क्लॉथ हम लोगों को गर्म रखता है, नहीं तो क्रॉस करेंगे। ओके, सी में देखिए, नेम द सीजन इन विच यू यूज द फॉलोइंग क्लॉथ्स। यहाँ नीचे जो क्लॉथ्स दिया गया है आपको बताना है कि ये कौन से सीजन में यूज होता है, हम लोग कौन से सीजन में पहनते हैं। जैसे ये शर्ट है, शर्ट हम लोग कौन से सीजन में पहनते हैं, समर सीजन में, तो यहाँ लिखेंगे समर सीजन। समर सीजन, ओके। और ये स्वेटर है, स्वेटर हम लोग कब पहनते हैं, विंटर सीजन में, तो यहाँ लिखेंगे विंटर सीजन। ये क्या है, गम्बूस्ट, कब पहनते हैं, रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन लिखेंगे। ऐसे आप लोगों को ये एक्सरसाइज बनाना है। ओके, थैंक्स।